सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम आपको दिखाएंगे अडालज की बावड़ी। वैसे तो भारत में अनेकों बावड़ियां बनी हुई हैं, लेकिन यह बावड़ी एक अपना अलग ही महत्व रखती है। यह बावड़ी अडालज नामक गांव में बनी हुई है, जो कि अहमदाबाद शहर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर है। यह छोटा सा गांव प्राचीन काल में दांडई देश नाम से जाना जाता था। यह पहली मंजिल पर लगे संगमरमर के पत्थर पर संस्कृत में अंकित लिखे लेख से मालूम होता है। इसे रानी रुदाबाई ने अपने पति की याद में बनवाया था। वह राजा वीर सिंह की पत्नी थी। और आपको बताएं, यह बावड़ी 5 मंजिला है, जो कि एक बड़े भवन के जैसे दिखाई देती है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, अनेकों कलाकृतियां बनाई हुई हैं यहाँ के पिलरों पर, दीवारों पर। और जो ये आप पिलर देख रहे हैं, यह है 16 पिलरों पर बनी हुई बावड़ी है। नीचे से ऊपर तक इसमें 16 पिलर बने हुए हैं, जिनके ऊपर यह बावड़ी टिकी हुई है। और इस बावड़ी पर सूरज की जो किरणें हैं, वो सीधी नहीं पड़ती। कुछ देर के लिए इसकी दीवारों पर जो सूरज की किरणें वो सीधी पड़ती हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि बाहर के तापमान से अंदर का तापमान लगभग 6 डिग्री कम ही रहता है। सारा साल गुजरात में बहुत गर्मी पड़ती है, इस कारण जो अंदर का तापमान है बाहर की बजाय बहुत कम है। आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यह एक सीढ़ीनुमा कुआ है। ऊपर से नीचे तक जाने के लिए अनेकों सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, यह 5 मंजिला है। अब ऊपर के जो रास्ते थे, जहाँ से पानी को निकाला जाता था, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। और लेकिन जो यहाँ पर प्रशासन टूट फूट का कार्य भी साथ के साथ करता रहता है, ताकि इस बावड़ी को सदियों तक ऐसे ही लोग देखते रहें। और हमारे साथ ये हमारे साथी हैं, जो हमें यहाँ पर लेकर के आए हैं। आपको कभी भी यहाँ घूमने का मन हो, तो इस वीडियो के लिंक में मैं इस भाई का नंबर दे दूँगा, जो कि शरीफ नाम है इसका। तो आप इनसे कांटेक्ट करके गुजरात में जो अहमदाबाद है, वहाँ की सभी लोकेशन, जो बढ़िया बढ़िया देखने की जगह है, वो आपको ये आसानी से दिखा देंगे। गाइड का काम भी करेंगे साथ के साथ, और इनके पास ऑटो है, उसमें आपको यहाँ पर घुमा देंगे। अभी नीचे जाते जाते बहुत अंधेरा हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, ये देखिए। और अभी हमें पानी देखना शुरू हो गया है, ये देखिए। यहाँ पर अभी देखो कितनी संख्या में यहाँ पर देखने के लिए लोग आए हुए हैं। हर रोज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये देखिए आप 5 की 5 मंजिल नीचे से ऊपर तक देख सकते हैं। ये अष्टभुजाकार है, यानी कि 8 जो भुजाएँ होती हैं, उस प्रकार इसका डिज़ाइन बनाया गया है। ये देखना कितना सुंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जब भी अहमदाबाद घूमने जाएं या वहाँ पर ट्रैवलिंग करें, तो एक बार यहाँ पर विजिट ज़रूर करें। यह अहमदाबाद से काफ़ी ज़्यादा दूर तो नहीं है, लगभग 18-20 किलोमीटर के आसपास ही है। आप वहाँ पर जाइए। और अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। देखो सीढ़ियों के द्वारा हम ऊपर जा रहे हैं, और जो ऊपर का लेवल है इसका, वो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि ज़मीन के समतल ही दिखाई देती है ये। ये देखना, अब हम बाहर आ चुके हैं। सभी साथियों से अनुरोध है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है,
चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। इस चैनल पर गुजरात की काफ़ी वीडियो है। ये देखना आप, ऊपर से मैंने बोला था कि ढका हुआ है, ये जाल लगा करके लोहे का यहाँ से ऊपर से कवर कर दिया गया है ताकि कोई हादसा न हो, क्योंकि देखने वाले जो व्यक्ति आते हैं, दर्शक आते हैं, उनमें बच्चे भी होते हैं, हो सकता है कोई हादसा न हो, इसलिए ऊपर से इसको कवर कर दिया गया है। ये देखना ऊपर बिल्कुल समतल दिखाई दे रहा है आपको। आसपास में अच्छा खासा ग्राउंड है, चारों तरफ फुहारे लगे हुए हैं। आप यहाँ पर अपना छुट्टियों के टाइम आ जाएं तो आपका अच्छा सा टाइम पास होगा। कितना सुंदर व्यू है। और अब और इसके अंदर जाने के लिए तीनों तरफ से सीढ़ियां हैं। ये एक इस साइड है ये वाली, और एक इसके बिल्कुल सामने है, और एक जिस साइड से हमने एंट्री की थी वो है। तीन साइड से सीढ़ियां इसके अंदर जाती हैं। देखो कितनी संख्या में यहाँ पर इसको देखने के लिए आए हुए हैं। यहाँ की टिकट मात्र 30 रुपये है, 30 रुपये पर पर्सन। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं।